नाजरीन आदाब, एशिया टाइम से मैं ज़ुबैर ख़ान सईदी एक बार फिर आप सबका खैर मुकदम करता हूँ। आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी यानी आलमी मादरी ज़बान का दिन, जिसे अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी कहा जाता है और हिंदी में मातृभाषा दिवस कहते हैं। सन 2004 में इस दिन को आलमी मादरी ज़बान के हैसियत से जाना गया था और उस दिन के बाद पूरी दुनिया इस दिन को आलमी मादरी ज़बान की हैसियत से मनाती है। अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में कमोबेश एक रफ़ आइडिया के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 6500 ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन सिर्फ 2000 ज़बानों को ज़बान का दर्जा हासिल है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान मैंडेरियन है, जिसे हम चाइनीज़ कहते हैं। वो तकरीबन 1,22,00,035,00,000 लोग उस ज़बान को बोलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ज़बान या पहली सबसे बड़ी ज़बान अंग्रेज़ी है, उसके बाद अरबी ज़बान का भी नंबर आता है। ये मुख्तलिफ़ ज़बानें हो गई जो इंटरनेशनल सतह की बड़ी ज़बानें हैं। अब हम आते हैं अपने भारत की तरफ, अपने हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में मेरे पास एक डाटा मेरे सामने मौजूद है। उस डाटे के अनुसार हिंदुस्तान में दो किस्म की ज़बानें हैं, 2 types of language। पहली जो लैंग्वेज है उसको इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं, जिसको 78.05% पीपल इंडिया के उसको बोलते हैं। और दूसरी लैंग्वेज जो है, दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज जो है, वो द्रविड़ियन लैंग्वेज है, जिसको 19.64% लोग बोलते हैं। और बाकी 2.35% लोग जो हैं वो दीगर ज़बानें जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो तिब्बती ज़बान हो गई या एक थाई कोडाई लैंग्वेज होती है या एक और इस किस्म की ज़बानें हैं वो बोली जाती हैं। ये जो तकसीम हुई है द्रविड़ियन और आर्यन की, ये साउथ और नॉर्थ की बुनियाद पे हुई है। अब बाकायदा अगर ज़बानों की बात की जाए तो हिंदुस्तान की ऑफिशियल ज़बानें 22 हैं, और जो 22 ज़बानें हैं वो 13 अलग अलग रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान हिंदी है, जिसे 420 मिलियन लोग बोलते हैं। और दूसरी हिंदुस्तान की बड़ी ज़बान अंग्रेज़ी है, उसके बाद बंगाली और उर्दू का नंबर आता है। ये तो हुआ एक ग्राफ जो ज़बान के सिलसिले में था। अब हम बात करते हैं आज के दिन की अहमियत पर। अगर हमें अपना माफ़ी ज़मीर अदा करना है, अपने दिल की बात किसी तक पहुंचानी है, तो उसका सबसे मौसिर और सबसे आसान तरीक़ा मादरी ज़बान में बात करना होता है। एक बच्चा जो रहम मादर में 9 महीने रहता है, वो अपनी माँ के बतन में रहते हुए आसपास के माहौल में जो ज़बान बोली जाती है उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, और जब वो 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद बोलना शुरू करता है तो वही माँ की ज़बान बोलना शुरू करता है। इसलिए उसको मादरी ज़बान कहा जाता है, क्योंकि उसने उसको माँ के पेट में ही सीख लिया होता है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, जिस गांव में हम पैदा हुए हैं या जिस शहर में हम पैदा हुए हैं, हम थोड़े खत्ते आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ ज़बान बदल जाती है। तो हमें अगर उस जगह अपनी ज़बान बोलने वाला कोई मिल जाता है तो उसकी तरफ हम रुझू करते हैं, उसकी तरफ हम मायल होते हैं, उसको हम मोहब्बत से मिलते हैं। अगर हमारा ताल्लुक किसी एक स्टेट से है, राज्य से है, हम दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो हमारे राज्य का कोई हमें मिल जाता है तो उसकी तरफ हमारा एक अटैचमेंट होता है। और इसी तरह हम अगर बैरून मुल्क में होते हैं तो हमारा कोई भारतीय हमें मिल जाता है तो उसकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं और उसकी तरफ हम बेसाख्ता मायल हो जाते हैं। तो ये ज़बान का, मादरी ज़बान का और अपनी मादरे वतन का जो इश्क होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो फितरी होता है। मैं मादरी ज़बान को फितरत की ज़बान भी कहता हूँ, क्योंकि इंसान को एक फितरत पे पैदा किया गया है और फितरत में कोई तब्दीली नहीं होती है, और अगर वो अपनी फितरत के मुताबिक ही काम करेगा तो वो ज़्यादा आसानी के साथ और ज़्यादा मौसर किन अंदाज़ में और ज़्यादा मशहूर कुन अंदाज में उस काम को कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें
अपना माफ़ी ज़मीर अदा करना है, स्टेज पे हमें खुतबा देना है, स्टेज पे हमें तकरीर करनी है, या स्टेज पे हमें कोई कुछ चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो हमारी जो मादरी ज़बान है उसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, सबसे ज़्यादा हम उसमें अपने आप को आसानी उसमें महसूस करेंगे। बिलमुकाबिल इसके कि हम किसी दूसरी ज़बान में वो बात कहें तो हम अपनी बात को उतने अच्छे अंदाज़ में नहीं समझा पाएंगे जितने अच्छे अंदाज़ में हम अपनी मादरी ज़बान में समझा पाएंगे। और अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें जिन्होंने टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने बहुत तरक्की की है, चाइना और जापान का जो बहुत नाम आता है, उसके अलावा साउथ कोरिया का भी नाम आता है, साउथ कोरिया, चाइना या जापान, इनकी तरक्की का कहीं ना कहीं एक बुनियादी राज ये भी है कि इन्होंने अपनी मादरी ज़बान को नहीं छोड़ा है। वो कहीं बाहर मुल्क में जाते हैं तो अंग्रेज़ी का मुतरजम हायर कर लेते हैं लेकिन वो अपनी ज़बान से कभी समझौता नहीं करते हैं। और जो कौम अपनी ज़बान से, अपनी मिट्टी से और अपनी ज़बान से समझौता नहीं करती है, वही कौम अपनी ज़बान को बचा पाती है और वही कौम अपनी नेशन की बका के लिए मुआविन और मददगार साबित होती है। तो नेशन की बका के लिए और अपनी ज़बान की बका के लिए उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बदायूं में मेरी पैदाइश हुई, मैं स्कूलिंग के बाद मिडिल स्कूलिंग के लिए चेन्नई चला गया। चेन्नई में मैं जब गया तो वहाँ मस्जिद के अंदर मैंने इमाम साहब को जब खुतबे के मिंबर पे चढ़ते हुए देखा और उन्होंने जब खुतबा देना शुरू किया तो आम तौर से हमारा जो एक अंदाज़ होता है खुतबे का, जो हमारे अरबी ज़बान में या उर्दू ज़बान में जो खुतबा होता है मस्जिद के अंदर, लेकिन मैं तमिलनाडु में था, तमिलनाडु की एक मस्जिद में, और वो मेरा पहला जुमा था। मैंने इमाम को जब मिंबर पे आते हुए देखा और उन्होंने अरबी ज़बान का जो रिवायती खुतबा शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला व मन युदलिलहु फला हादिया ला, लेकिन अचानक उन्होंने गियर तब्दील किया और गियर तब्दील करने के बाद वो तमिल की तरफ मायल हुए और उन्होंने फौरन ये कहा कि नान के उंगलुक मध्यले इरंडु विषयंगले विट्टु चलिग्रेन, नान के उंगलुक मध्यले इरंडु विषयंगले विट्टु चलिग्रेन किताब अल्लाह व सुन्नती। एक वाक्य था उसका जो मैंने याद कर लिया था, जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे तालीम हुई है, मैंने तमिल के और तेलुगू के और मलयालम के कुछ अल्फाज अपने साथियों में माहौल में रहते हुए जो याद कर लिए थे। इसी तरह मैं जिस इदारे से पास आउट हूँ वहाँ पे बाकायदा मादरी ज़बान में तकरीर करना सिखाया जाता था। बाकायदा वहाँ एक अंजुमन थी, इस अंजुमन के अंदर हिंदी ज़बान में, नेपाली ज़बान में, तमिल ज़बान में, तेलुगु ज़बान में, मलयालम ज़बान में, और जिस ज़बान के वहाँ बोलने वाले तलबा मौजूद थे उस ज़बान की एक अंजुमन थी जो अपनी मादरी ज़बान में तकरीर करने की प्रैक्टिस किया करते थे। उसी दौरान मेरे एक तेलंगाना के एक साथी, उन्होंने एक तेलुगु में तकरीर की, उसके अंदर कुछ शेर आए थे बीच में, उन्होंने मुझसे, मैंने कहा ज़रा मुझे इन अशार को आप उर्दू में या अंग्रेज़ी में लिख के दे दो, मैं इनको याद कर लेता हूँ। मैंने उन अशार को याद किया तो मैं तेलुगु के वो अशार आपको सुना रहा हूँ। मना जीवितमे वक चदरंगम, मना मुंदटा वुंदी पोराटम, मना मेक्कडा वुन्ना ए देना, मना कोसम शापम यू लोकम, अनंत करुणा मयू डेना, मना देवुड़ कुडे उंदंडी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितने उच्चारण जो है, मेरा तलफ़ जो है कितना परफेक्ट है, लेकिन जो मैंने बचपन में याद किया था वो मैंने सुना दिया है। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जो मुख्तलिफ तहज़ीबें हैं, जो उनके आपस में तसादुम होता है, उसके ज़रिए जो हिंदुस्तान वजूद में आता है, जिस हिंदुस्तान की हम कल्पना करते हैं, जो एक पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की जो एक इमेज बनी हुई है, वो बहु लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल है और मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले लोग यहाँ आज़ादाना तरीके से अपने अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सबसे आखिर में आता हूँ उर्दू की तरफ, क्योंकि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, और ये सिर्फ मेरी मादरी ज़बान नहीं बल्कि ये बॉलीवुड के नगमों की भी ज़बान है। और तहरीक आज़ादी के वक्त किए गए जोशीले खिताबात, जोशीले तराने, जोशीले नारों की भी ये ज़बान है। इस ज़बान ने तहरीक आज़ादी में एक बड़ा रोल प्ले किया था। जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, हसत मोहानी और इस किस्म के जो दीगर शोराए किराम थे, उस वक्त
मुजाहिदीन वतन को अपनी अपने नगमों के ज़रिए, अपने तरानों के ज़रिए वो ज़िंदा रखे हुए थे, उनको वो हौसला देने के काम करते थे। ये उर्दू ज़बान उस वक्त एक राबते की ज़बान थी और जो आम फहम की ज़बान थी। हिंदुस्तान ने वैसे ज़बान के एतबार से मुख्तलिफ दौर देखे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे मुग़लों का राज था तो यहाँ की सरकारी ज़बान फ़ारसी हुआ करती थी, उसके बाद अंग्रेज़ आए तो यहाँ की सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी हो गई, और आज़ादी के बाद वोटिंग के ज़रिए बाकायदा हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी को जब कौमी ज़बान का दर्जा मिल गया तो दीगर ज़बानें ख़त्म हो गईं। बाकायदा अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, दिल्ली प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू और पंजाबी है। इस तरह से हर रियासत की जो सरकारी ज़बानें हैं वो एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं और बसते हैं। हिंदुस्तान के आर्टिकल में मेरे सामने इस वक्त भारत का आइन रखा हुआ है। ये आइन हमें अपनी ज़बान के मुताबिक और अपनी मज़हबी शिनाख्त के मुताबिक जीने की मुकम्मल आज़ादी देता है, और ज़बानों के लिए, बाकायदा ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान ने जो कामकाज किए हैं उसके अंदर दो बड़े काम हैं। एक, उन्होंने कुछ अकेडमियाँ खोल रखी हैं, पंजाबी अकेडमी, सिंधी अकेडमी, उर्दू अकेडमी, और कुछ नेशनल सतह के कुछ काउंसिल बने हुए हैं, जैसे नेशनल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये एक बड़ा इदारा है जो माली तावन फराहम करता है बाकायदा उर्दू ज़बान के प्रमोशन के लिए और दीगर ज़बानों के प्रमोशन के लिए। साहित्य अकेडमी हिंदी के लिए है, दीगर ज़बानों के लिए अकेडमीज़ हैं। ज़बानों को ज़िंदा रखने के लिए भारत सरकार और राज्यों की सरकारें अपना अपना सहयोग दे रही हैं। मैं बात उर्दू की कर रहा था क्योंकि उर्दू मेरी ज़बान है और उर्दू बॉलीवुड के नगमों की ज़बान है, और मैंने अभी बताया कि तहरीक आज़ादी की भी उर्दू एक ज़बान थी। तो उर्दू ज़बान की जब हम बात करते हैं तो उर्दू ज़बान का जो दायरा है पहले बर्रे सगीर तक महदूद था। बर्रे सगीर का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अतराफ के नेपाल और कुछ और ममालिक भी इसमें आ सकते हैं जहाँ उर्दू बोली जाती है। लेकिन एक नई और इंटरेस्टिंग रिसर्च के मुताबिक पिछले साल 2018 में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन नाम से एक तंजीम बनाई गई थी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी ज़बानों का जो केंद्र है वहाँ के एक प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने उस एसोसिएशन को गठित किया था, और उस वक्त उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि उर्दू ज़बान की बोलने वाली कुछ नई बस्तियाँ भी आबाद हो चुकी हैं। उन नई बस्तियों को उन्होंने अप्रोच किया, वो वहाँ गए, फिर उन्होंने एक सेमिनार कराया इंटरनेशनल सतह का। ये अभी जनवरी 2019 में सेमिनार हुआ था जेएनयू के अंदर, जिसमें जो मंदूबीन आए थे, जो उसमें शुरका थे उसके अंदर, वो ईरान से भी आए हुए थे, वो मिडिल ईस्ट से भी आए हुए थे, वो बरतानिया से भी आए हुए थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में दीगर ममालिक से भी आए हुए थे, कुछ बांग्लादेश के भी मंदूबीन थे, तमाम कुछ इजिप्ट के भी थे, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी थे। तो उन्होंने वहाँ पर ये जाहिर किया था कि उर्दू ज़बान जो है उनकी कुछ नई बस्तियाँ अब आबाद हो चुकी हैं, जिनको उर्दू की इस्तिलाह में नौ आबादियाती बस्तियाँ भी कहते हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान को पूरी दुनिया में ज़िंदा जो रखे हुए हैं, और उर्दू ज़बान बोलने वाले मिडल ईस्ट ही में नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा, उसके अलावा यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर, US के अंदर और अफ्रीकन ममालिक में भी बकसरत पाए जाते हैं जो उर्दू ज़बान जानते हैं, उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उर्दू ज़बान बोलते हैं और अपने बच्चों को उर्दू ज़बान पढ़ाते हैं और उर्दू ज़बान की तरगीब करते हैं। मादरी ज़बान के इस आलमी दिन पर हमारी एशिया टाइम की ये ख़ास पेशकश थी। उम्मीद है कि हम अपनी अपनी मादरी ज़बान से जुड़े रहेंगे और अपनी अपनी मादरी ज़बान को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।